नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेट की रिगार्डिंग, यानी इम्पोर्टेंट डेट फॉर बिहार पॉलिटेक्निक एंड पारा मेडिकल, यानी PE PM और PMM ऑनलाइन फॉर्म जो 2024 का है, इसके इम्पोर्टेंट कुछ डेट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि भाई, आपको अगर आपने फॉर्म भरा है तो इसके डेट के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट डेट आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि क्या क्या डेट रहने वाला है, एग्ज़ाम आपका कब होगा, कब से रजिस्ट्रेशन कब तक चला था, एग्जामिनेशन का जो डेट है वो क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पता करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन जो है भाई क्लोज हो चुका है, यानी रजिस्ट्रेशन जो है आप अब नहीं कर पाएंगे। इसमें पेमेंट भी जो है आप अब इसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 22 तारीख जो था वो लास्ट डेट था। अब देखो, ये तो तीन जो ऐसे काम है जो कि रजिस्ट्रेशन का डेट और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट और पेमेंट का, ये तो तीनों आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी डेट जो है ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। बट अगर मान के चलिए कि आपने अपने फॉर्म में कुछ गलती किया होगा, सपोज डेट कि किसी ने नाम में कोई स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया होगा, या अगर आपने एड्रेस फिल किया होगा तो वहाँ पे कुछ आपने अगर मिस्टेक कर दिया होगा, या फादर नेम मदर नेम या आपने जो भी स्कूल अपना भरा होगा उसमें अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटिंग टू अप्लीकेशन, है ना, यानी अप्लीकेशन को आप एडिट भी कर सकते हैं। ये कब से होगा, तो इसीलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ आज 23 तारीख को, क्योंकि कल से ये चालू हो जाएगा। यानी 24, 25 और 26, 3 दिन ये रहेगा, 24, 25, 26, 3 दिन ये रहेगा। 3 दिन में आप जो है अपना करेक्शन कर सकते हैं, यानी अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपने कोई भी चीज़ अगर गलत किया होगा तो आपके लिए ये फॉर्म का रिकलेक्शन होता है। ये मतलब लगा लीजिए कि हर एक एग्ज़ाम का एक अपना अपना पहलू होता है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो कि फॉर्म को करेक्शन नहीं कराते हैं, बट बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं अपने इंडिया में, तो वो क्या करते हैं, फॉर्म को करेक्शन करवा लेते हैं। कि मान लीजिए आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी है, फॉर्म अप्लाई करते समय मान लो कि कोई चीज़ आपसे छूट गया हो, तो आप उस चीज़ को करेक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे इस समस्या से जूझते हैं कि अरे मैंने तो नाम में मिस्टेक कर दिया, अरे मैंने फादर नेम में मिस्टेक कर दिया है, मुझे टाइटल ने लगाना था मैंने नहीं लगाया है, डेट ऑफ बर्थ में कई कई बार बच्चे जो है गलती कर देते हैं, ये होता है। इसीलिए भाई पॉलिटेक्निक वाले ने कहा है कि इसके लिए एडिटिंग का जो भी एप्लीकेशन है वो कल से आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा और कल से जो है आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, 3 दिन रहेगा भाई, याद रखिएगा, 24 को, 25 को, 26 को। मैं 3 दिन इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 24 को भी ओपन रहेगा, मतलब कल से खुल जाएगा, तो कल का भी दिन हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, अब इसके एडमिट कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो इशू ऑफ एडमिट कार्ड जो होगा 13 जून को एडमिट कार्ड आपके पास मिल जाएगा। यानी 13 जून जो है आपका, अभी से लगा लीजिए तो आपके पास एग्ज़ाम की बात करें तो पूरे अभी 1 महीने जो है एग्ज़ाम पड़ा हुआ है। एग्ज़ाम और डेट की अगर मैं बात करूं तो देखो, यहाँ पे PE का जो एग्ज़ाम होगा वो 22 जून को होगा, यानी पूरे 1 महीने यानी 29 दिन अभी आपके पास है। PM और PM के लिए जो है 23 जून, यानी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 23 तारीख ही है, बट ये मई है, लेकिन आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है 23 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। अब आपके पास जो है पूरे 30 दिन का समय बचा है, आप इस 30 दिन में ये सोचिएगा कि भाई मुझे तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से मैं चीज़ों को पढ़ूँ, कहाँ से मैं चीज़ों को कवर करूँ। तो भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक बुक की सजेशन करूँगा, उस बुक को आप ले सकते हैं जो कि भाई आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये चक्षु प्रशासन की बुक है, आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये टारगेट जो है क्रेक एग्जामिनेशन, यानी अगर आप पॉलिटेक्निक देख रहे हैं तो यहाँ पे दिखा हुआ कि बिहार संयुक्त परीक्षा परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित है। यह बहुत ही बेस्ट बुक है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया बुक रहेगा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ 1 महीने का समय है, आप इस बुक को ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। ये आपको बुक मिलेगा कहाँ, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है, आप उस लिंक से भी डायरेक्ट जाके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, कंप्लीट स्टडी गाइड है भाई, यहाँ पे आपको गणित मिल जाएगा, भौतिक विज्ञान मिल जाएगा, रसायन विज्ञान मिल जाएगा। आपको पता है कि जो भी बच्चे भाई पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई किए होंगे, जो भी बच्चे 10th पास हुए होंगे, या जो भी बच्चे ITI
आई वाले होंगे या जो भी बच्चे 12th पास करके पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उनको ये तीन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, गणित, भौतिक और रसायन शास्त्र। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बुक है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर भी बुक मिल जाएगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख पाइएगा, ये पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 का हल प्रश्न पत्र है, यानी इसमें जो है आपको सॉल्व पेपर मिलेगा। लिखा ना कि यदि ध्वनि की तीव्रता 22 गुनी कर दी जाए तो ध्वनि स्तर कितने डेसिमल बढ़ जाता है। अब मान लीजिए कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा और आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, किसी का सहारा लीजिएगा। कुछ नहीं सहारा लेना है भाई, आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखिए पहले का आंसर 1 है ना, पूरा व्याख्या सही है। यानी लिखा है कि माना प्रारंभिक तीव्रता और ध्वनि जो है वो L1 है, जबकि तीव्रता जो है वो हमारा 20L है, कर दिया जाए तो ध्वनि बढ़कर L2 हो जाती है। ये फॉर्मूला का यूज करना है और यहाँ से 13 डेसिमल जो है इसका आंसर निकल जाएगा। इसी तरह आप मैथ में भी कर सकते हैं। मैथ में मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन किया, लिखा हुआ है कि प्रथम n विषम संपूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब आपने माध्य पढ़ा होगा कि जो भी हमारे पास नंबर होता है सारे नंबर को ऐड करना होता है और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर होता है। तो ये प्रथम n विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब क्या होता है कि जो 2 से डिवाइड ना हो, तो उनके लिए क्या करेंगे भैया, उनके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे। आप यहाँ से आराम से फॉर्मूला लगाइए। मान लीजिए कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, परेशान नहीं होंगे हम लोग, क्या करेंगे डायरेक्ट ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या आएंगे भैया, सॉल्यूशन के पास चले आएंगे। ये बहुत बढ़िया बुक है, पिछले साल बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इस बुक से पढ़ के हुआ है, इसी वजह से मैं आपको ये सजेशन कर रहा हूँ कि आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि डेट जो है अब ज़्यादा दिन नहीं रहा, 1 महीने है और 1 महीने में आपको ये पूरी तैयारी करनी है। बिल्कुल आप जी जान लगा दीजिए, तैयारी कीजिए ताकि आपको एक बढ़िया सा जो है कोई पॉलिटेक्निक मिल जाए और जिसके थ्रू जो है आप अपनी पॉलिटेक्निक के जो है चीज़ों को कर पाए। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।